Good morning. Today is 28th of March 2018 and we are going to discuss the articles of the Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन-कौन से articles आज हम discuss करने जा रहे हैं। पहला article यहाँ पे राजनीति से संबंधित है। कर्नाटक में 12 मई को elections conduct होंगे और 15 मई को result declare किया जाएगा। Exam के लिए important article नहीं है, नहीं discuss करेंगे। नीचे ये article, क्या रशिया रोग नेशन बन गया है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। बीच में ये आर्टिकल फेडरलिज्म और रीजनल आइडेंटिटी से संबंधित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। सबसे पहले इसी आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद नीचे ये आर्टिकल हायर एजुकेशन से संबंधित है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कंटिन्यू करने का निर्णय लिया है यूनियन कैबिनेट ने, काफी अच्छी ये स्कीम है हमारे देश में हायर एजुकेशन के स्तर को उठाने के लिए। डिस्कस करेंगे डिटेल से इस आर्टिकल को भी। दूसरे पेज पे यहां पे रोमिला थापर एक हिस्टोरियन है, इनके साथ इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीति से संबंधित है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेडरलिज्म से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर टू के इन टॉपिक्स में ये आर्टिकल कवर होगा। वैसे जीएस पेपर वन के रिजनलिज्म टॉपिक से भी आप इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, रिसेंटली कर्नाटका ने अपने नए फ्लैग को पब्लिश किया। अभी अनुमति मांगी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे ताकि कर्नाटका अपने नए फ्लैग को अडॉप्ट कर सके। अगर ऐसा होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति दी जाती है कर्नाटका को अपने नए फ्लैग को अडॉप्ट करने के लिए, तो जम्मू एंड कश्मीर के बाद कर्नाटका हमारे देश का दूसरा ऐसा राज्य होगा जिसका अपना अलग से नया फ्लैग होगा। इसके अलावा कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज को भी बहुत ज्यादा प्राइमेसी फिलहाल दी जा रही है। हमें देखा कर्नाटका में कुछ मेट्रो स्टेशन पर से हिंदी लैंग्वेज को मिटा दिया गया। कुल मिला के मांग की जा रही है कर्नाटका के द्वारा कि हमारे पास ज्यादा पावर्स होनी चाहिए ताकि कर्नाटका के लोग अपने जीवन के बारे में खुद से डिसाइड कर सकें। यानी कन्नड़ आइडेंटिटी को असर्ट किया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे देश में जब भी इस तरह की बातें होती हैं, वो कहते हैं कि ये सब चीजें इंडिया के लिए खतरा है। कल्चरल ऑटोनॉमी, सब नेशनलिज्म, ये इंडिया के लिए खतरा है। लेकिन राइटर ये कहते हैं कल्चरल ऑटोनॉमी और सब नेशनलिज्म इंडिया के लिए खतरा नहीं है। कल्चरल ऑटोनॉमी क्या होता है, हमारे देश के किसी रीजन को पूरी आजादी दी जाए कि वो रीजन अपने कल्चर को प्रमोट कर सके, अपने कल्चर को एंकरेज कर सके, इस चीज को कहते हैं कल्चरल ऑटोनॉमी। उसके बाद सब नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म का मतलब होता है नेशन के अंदर कोई रीजन, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका इस केस में, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करें, एंकरेज करें, एडवोकेट करें, वो चीज है सब नेशनलिज्म। और राइटर कहते हैं इससे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा देश मल्टीकल्चरल नेशन है। हमारे देश में जो विभिन्न रीजन्स हैं उनके बीच बहुत कम चीजें कॉमन हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया का पार्ट होने में गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं। तो इसलिए कल्चरल ऑटोनॉमी और सब नेशनलिज्म से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शंस होने वाले हैं 12 मई को, इसलिए कन्नड़ आइडेंटिटी को असर्ट किया जा रहा है। इलेक्शंस के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दो ब्रॉड ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं हमारे देश में फिलहाल। एक तरफ तो नॉन हिंदी स्टेट्स में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है हिंदी कल्चर के अगेंस्ट। नॉन हिंदी स्टेट्स का ये क्लेम है कि हमारे राज्यों में, हमारे रीजन में हिंदी कल्चर को इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ब्रॉड ट्रेंड जो फिलहाल देखने को मिल रहा है वो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में है। स्टेट्स में बहुत ज्यादा नाराजगी है। स्टेट्स का ये कहना है ज्यादातर चीजें, ज्यादातर जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, हमें तो सिर्फ बाइक के पीछे बिठा के ले जाया जा रहा है और ज्यादातर जो चीजें डिसाइड की जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। देखो अब मान लीजिए बीजेपी शासित कोई प्रदेश है, महाराष्ट्र है या फिर हरियाणा है, हरियाणा के सीएम, महाराष्ट्र के सीएम, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार है, वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। लेकिन ब्रॉड ट्रेंड यही है, ज्यादातर स्टेट्स में नाराजगी देखने को मिल रही है। वो कहते हैं कि संविधान में जो हमें पावर्स दी गई है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन पावर्स को हड़पता जा रहा है। तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, यहां तो इलेक्शंस नहीं है लेकिन यहां भी कल्चरल आइडेंटिटी को, रीजनल आइडेंटिटी को बहुत मजबूती से असर्ट किया जा रहा है। तमिलनाडु की बात आप कर सकते हैं, तमिलनाडु में तो कल्चरल ऑटोनॉमी से संबंधित सेंटीमेंट्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको याद होगा जल्लीकट्टू पर बैन जब लगाया गया था तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट क्रिएट हो गई थी और उस समय कुछ सेक्शंस ये भी मांग करने लगे थे कि हम इंडिया से अलग हो जाएंगे। मेघालय की बात करते हैं, मेघालय के गवर्नर गंगा प्रसाद ने रिसेंटली मेघालय की असेंबली में जो अपनी स्पीच दी वो हिंदी में दी, तो वहां पर भी
एंटी हिंदी सेंटीमेंट्स क्रिएट हो गए। एमएलएज ने विरोध किया कि गवर्नर कैसे हिंदी में भाषण दे सकते हैं मेघालय की असेंबली में। आगे राइटर एक और एग्जांपल देते हैं। रिसेंटली तेलंगाना और वेस्ट बंगाल की सरकारों ने नए एम्बलम्स को अडॉप्ट किया, राज्य के चिन्हों को अडॉप्ट किया। तेलंगाना ने जो एम्बलम को अडॉप्ट किया उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, तेलुगु है, उर्दू है, लेकिन हिंदी नहीं है। और वेस्ट बंगाल ने जिस एम्बलम को अडॉप्ट किया उसमें बंगाली है, इंग्लिश है, लेकिन हिंदी नहीं है। तो ये पहले की प्रैक्टिस से बिल्कुल अलग है। पहले हिंदी को थोड़ा बहुत तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब तो इंग्लिश को बल्कि ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और हिंदी को तो बुरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। हिंदी के खिलाफ जो नॉन हिंदी रीजन्स हैं वहां पे नफरत देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, आगे इलेक्शंस होने वाले हैं 2019 में, तो ये आइडेंटिटी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है, ऑटोनॉमी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है, वो और भी ज्यादा एग्रेवेट हो सकती है, और भी ज्यादा हाईलाइट हो सकती है, जिससे हमारे देश के लोगों के बीच और विभिन्न रीजन्स के बीच दरार देखने को मिल सकती है। रीजन्स की हम बात कर रहे थे, ऐसा क्यों है हमारे देश में फिलहाल सब नेशनलिज्म और रीजनल आइडेंटिटीज अपने आप को असर्ट कर रही हैं? इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है वोट बैंक पॉलिटिक्स। एक केस स्टडी की सहायता से हम समझते हैं। आपको पता है हमारे देश में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट आइडेंटिटीज के नाम पर वोट मांगती हैं। देखो, साफ तौर पे ऐसा कोई नहीं कहता, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कहेगी कि मुझे इस धर्म के नाम पे वोट दे दीजिए या फिर इस जाति के नाम पे वोट दे दीजिए, लेकिन विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज एक पर्टिकुलर धर्म से संबंधित, एक पर्टिकुलर जाति से संबंधित या फिर रीजन से संबंधित, एथनिसिटी से संबंधित अगर इश्यूज को उठाती हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो उस धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जिस आइडेंटिटी के साथ वोटर सबसे ज्यादा लगाव महसूस करेगा, इमोशनल फील करेगा, और जो पॉलिटिकल पार्टी उस आइडेंटिटी को प्रमोट कर रही है उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा वोटर। देखो, मैं साफ साफ बोलता हूं, बीजेपी आपको पता है हमारे देश में हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगती है। 80% संख्या है हिंदू धर्म के लोगों की, काफी स्ट्रॉन्ग ये आइडेंटिटी है, वोटर वोट देते हैं, इलेक्शंस पोलराइज भी हो जाते हैं। अब देखो, कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार है वो नहीं चाहती कि लोग हिंदू धर्म की आइडेंटिटी से प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दें। तो हिंदू धर्म की आइडेंटिटी का सामना करने के लिए कर्नाटका की सरकार प्रमोट कर रही है अपनी रीजनल आइडेंटिटी, अलग से झंडा अडॉप्ट करना, कन्नड़ लैंग्वेज को प्रमोट करना, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें साफ साफ बयां करती हैं कर्नाटका की सरकार ये चाहती है कि लोग हिंदू धर्म की आइडेंटिटी से ज्यादा इमोशनल होके, ज्यादा प्रभावित होके बीजेपी को वोट ना दें, बल्कि रीजनल आइडेंटिटी से प्रभावित होके कांग्रेस को वोट दें। तो ये सब चीजों के कारण ही रीजनल आइडेंटिटीज विभिन्न रीजन्स में प्रमोट हो रही है। यानी एक आइडेंटिटी को काटने के लिए हमारी जो रीजनल पार्टीज हैं नॉन हिंदी रीजन्स में, वो दूसरी आइडेंटिटीज को यूज कर रही हैं, ताकि जो वोटर्स हैं उनके राज्यों में वो रीजनल आइडेंटिटी से ज्यादा इमोशनल फील करें और बीजेपी को वोट ना देके दूसरी पार्टीज को वोट करें। लेकिन इन आइडेंटिटीज के चक्कर में और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारा देश डिवाइड हो जाता है। तो जब भी इलेक्शंस आते हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी एक आइडेंटिटी पकड़ के उसको प्रमोट करने लगते हैं वोट को हासिल करने के चक्कर में, लेकिन देश को इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अभी कुछ राज्य तो ये मांग करने लगे हैं कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एस्टैब्लिश किया जाए हमारे देश में, जिस प्रकार से यूएसए में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हैं। यूएसए में जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास सिर्फ 3-4 डोमेन है, जैसे कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस। उसी प्रकार से विभिन्न राज्य हमारे देश में मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 3-4 डोमेन होने चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, डिफेंस होना चाहिए, और ज्यादातर ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए स्टेट्स को। स्टेट्स की एक शिकायत यह रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की सहायता से डिक्टेट करता है कि किस प्रकार से स्टेट्स सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू को यूज करें। यानी आजादी नहीं है स्टेट्स के पास कि वो सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू को अपनी मर्जी से यूज कर सकें, अपनी मर्जी से स्कीम्स चला सकें। और एक शिकायत स्टेट्स को यह भी रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, जबकि जो इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इससे स्टेट्स के इंटरेस्ट भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए स्टेट्स की राय लेना बहुत जरूरी है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में। कंक्लूजन में कहा जाता है 21वीं शताब्दी के अनुसार संविधान की जो हमारी स्पिरिट थी उसको फिर से रिस्टोर करना आवश्यक है। जब आर्टिकल नंबर 356 के बारे में डिबेट चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो उस समय बी.आर. अंबेडकर ने यह कहा था, इंडिया एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है,
स्टेट्स में गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना। देखो, जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डोमेन में सोवरिन है, उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट भी अपने डोमेन में सोवरिन है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के डोमेन्स में इंटरफेयर नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। लेकिन आज सिचुएशन अलग हो गई है, आज ज्यादा पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स के डोमेन में इंटरफेयर करता है। इसीलिए कंक्लूजन में ये बात बोली जाती है कि संविधान की स्पिरिट को फिर से रिस्टोर किया जाए। अगर कोई स्टेट अपनी रीजनल आइडेंटिटी को असर्ट करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स बेसलेस जरूर हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि परंपरागत रूप से साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को सब्सिडाइज कर रहा है, मतलब साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो हमारे देश की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू से साउथ इंडिया के स्टेट्स को कम रेवेन्यू हासिल होता है। लेकिन ये गलत है। देखो, इस चीज को आप हायरार्की में जितना ज्यादा डिवाइड करोगे आपको एसिमेट्रीज मिलेंगी ही मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये भी तो कहा जा सकता है कर्नाटका में बेंगलुरु जो सिटी है वो पूरे कर्नाटका को सब्सिडाइज कर रहा है। जैसे महाराष्ट्र में ये बात बोली जा सकती है कि मुंबई जो सिटी है वो पूरे महाराष्ट्र को सब्सिडाइज कर रहा है। इवन साउथ कर्नाटका भी नॉर्थ कर्नाटका को सब्सिडाइज करता है। साउथ कर्नाटका कर्नाटका की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है लेकिन रेवेन्यू कम हासिल होता है साउथ कर्नाटका को। इन आर्ग्यूमेंट्स का कोई अंत नहीं है। इवन अमीर लोग भी ये कह सकते हैं कि देखो, मैं टैक्स ज्यादा देता हूं लेकिन गवर्नमेंट से फायदा मुझे कम होता है, गवर्नमेंट जो स्कीम्स चलाती है गरीब लोगों का उनसे फायदा होता है और हमारे लिए गवर्नमेंट कोई भी स्कीम्स नहीं चलाती। अगर एक देश में रहना है, एक नेशन में रहना है, तो ये सब बातें इग्नोर करनी होंगी। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हायर एजुकेशन से संबंधित है, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने निर्णय लिया कि रूसा स्कीम यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को कंटिन्यू किया जाएगा। हम बात करें रूसा स्कीम की, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2013 में सरकार ने लॉन्च किया था इस स्कीम को। इस स्कीम में स्टेट्स के जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंडिंग की दी जाती है रिफॉर्म्स के हिसाब से। यानी जिस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जितने ज्यादा रिफॉर्म्स लाए गए हैं उसी हिसाब से उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फंडिंग दी जाती है। आर्टिकल में कहा जाता है इस स्कीम को कंटिन्यू करने का निर्णय जो सरकार ने लिया है काफी अच्छा डिसीजन है और ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए काफी अच्छा है। और सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कहीं ना कहीं ये भी बताता है ये स्कीम आज के हिसाब से काफी रेलेवेंट भी है और काफी ज्यादा अच्छी भी है। आज के समय में हमारे देश में 800 यानी 800 यूनिवर्सिटीज हैं और 40,000 कॉलेजेस को मान्यता मिली है इन 800 यूनिवर्सिटीज से। टोटल जितने स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनमें से 94% जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं 369 यानी 369 स्टेट यूनिवर्सिटीज से। लेकिन देखो, 11th 5-year प्लान से ही ज्यादा जो फंड्स दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते हैं, जैसे IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या फिर दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन इन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। एक डेटा के अनुसार सिर्फ 6% स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं इन प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन ज्यादातर जो फंडिंग जाती है वो इन्हीं प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती बाकी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस पर और स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से इन्वेस्ट नहीं करते। स्टेट गवर्नमेंट्स को पता है कि अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे हमारे राज्य के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर तो उनकी हालात इंप्रूव नहीं होंगे, लेकिन ये जानते हुए भी स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट्स के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर इन्वेस्ट नहीं करते। UGC के द्वारा तो थोड़ी बहुत जो ग्रांट दी जाती है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को ही दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दी जाती। इसीलिए भी स्टेट गवर्नमेंट्स एलियनेटेड फील करते हैं और फ्रस्ट्रेट फील करते हैं। तो इन विसंगतियों को एड्रेस करने के लिए HRD मिनिस्ट्री ने रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लॉन्च किया था। मकसद ये है कि हमारे देश के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IIT, IIM, उनको तो फंड मिल जाता है, लेकिन विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फंड दिया जाए और वो भी रिफॉर्म्स के बाद। जो हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन जिस प्रकार से रिफॉर्म लेके आएगा अपने इंस्टीट्यूशन में, उसी प्रकार से उस हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को फंड दिया जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत। तो कौन से रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं? अगर कोई हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूशन में गवर्नेंस संबंधित रिफॉर्म लेके आता है, लर्निंग टीचिंग आउटकम दिखाता है, अनरीच्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो उसी हिसाब से उसी प्रपोर्शन में फंड दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को। इसीलिए ये वन साइज फिट ऑल स्कीम नहीं है। अगर देखो वन साइज फिट ऑल स्कीम होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट्स के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इक्वल फंड दे देती, आप भी 50 करोड़ ले लीजिए, आप भी 50 करोड़ ले लीजिए, लेकिन नहीं, रिफॉर्म्स के हिसाब से, विलिंगनेस के हिसाब से फंड्स दिए जा रहे हैं। ये प्रोसेस ड्रिवन स्कीम है। इस स्कीम का डिजाइन और कंसेप्चुअलिज्म जो है विभिन्न स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करने के बाद तैयार किया गया था। और देखो, वैसे तो ये स्कीम वॉलंटरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि वो इस स्कीम में पार्टिसिपेट करें, लेकिन फिर भी सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इस स्कीम में पार्टिसिपेट किया है। और रिफॉर्म्स के हिसाब से विभिन्न स्टेट्स ने अपने अपने राज्यों के लिए हर एजुकेशन परस्पेक्टिव प्लान भी डिक्लेयर किए हैं 10 सालों के लिए या 5 सालों के लिए। स्कीम स्टार्ट हुई थी 500 करोड़ के एलोकेशन के साथ, लेकिन अभी जो एलोकेशन है इस स्कीम में वो 1300 करोड़ तक बढ़ गया है, 1300 करोड़ तक एलोकेशन है अब इस स्कीम के लिए। कुछ और रिफॉर्म्स की बात करते हैं जो स्टेट्स को लाने ही होंगे अगर स्टेट्स को रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में पार्टिसिपेट करना है। तो जैसे विभिन्न राज्यों को अपने अपने राज्य में स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का निर्माण करना होगा, और इस काउंसिल में एमिनेंट एकेडमिक्स होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, दूसरे एक्सपर्ट्स होंगे। ये काउंसिल मीडियम और लॉन्ग टर्म स्टेट परस्पेक्टिव प्लान्स बनाएंगी। जैसा हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, 10 साल के लिए या 5 साल के लिए किसी राज्य का हायर एजुकेशन से संबंधित विजन क्या है, वो विजन तैयार किया जाएगा उस स्टेट से स्पेसिफिक स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के द्वारा। आर्बिट्रेरीनेस को अवॉइड करने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए कंपल्सरी होगा कि एक सर्च कम सिलेक्ट कमेटी का गठन किया जाए। इस सर्च कम सिलेक्ट कमेटी का काम होगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए वाइस चांसलर्स यानी वीसी को सिलेक्ट करना। एफिलिएशन सिस्टम में भी ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। अभी विभिन्न यूनिवर्सिटीज का एफिलिएशन सिस्टम काफी ज्यादा लिबरल है, बहुत सारे कॉलेजेस को मान्यता मिल जाती है, बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है उन कॉलेजेस में। और फैकल्टी पोजिशंस जो खाली हैं स्टेट के हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उन फैकल्टी पोजिशंस को जल्द से जल्द फिल किया जाएगा। रिक्रूटमेंट पर अगर किसी स्टेट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने बैन लगा पे रखा है तो रिक्रूटमेंट पर लगे उस बैन को भी हटाया जाएगा। तो ये सारे हमने रिफॉर्म्स की बात की। अगर किसी स्टेट को रूसा स्कीम में शामिल होना है तो ये सारे रिफॉर्म्स लाने होंगे। इन रिफॉर्म्स के हिसाब से ही फंड्स मिलेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। और रिफॉर्म्स को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफी कदम भी उठाए हैं, जैसे विभिन्न स्टेट्स के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जियो टैगिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, फंड ट्रैकर, रिफॉर्म ट्रैकर, रेगुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इन सभी इफेक्टिव टूल्स की सहायता से विभिन्न स्टेट्स के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स को मॉनिटर किया जा रहा है। कंक्लूजन में बोला जाता है काफी सारे फायदे भी हुए हैं रूसा स्कीम के। जैसे रूसा स्कीम को इंप्लीमेंट करने से पहले ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में था 19.4%, फैकल्टी की वैकेंसीज 60% तक खाली थी, और टीचर्स स्टूडेंट रेशो था 1:24। लेकिन रूसा स्कीम यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को इंप्लीमेंट करने के बाद ग्रोस इनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में 19.4% से बढ़ के हो गया है 25.2%, जबकि वैकेंसीज जो खाली थी फैकल्टी की पहले 60% तक थी, लेकिन अब सिर्फ 35% तक फैकल्टीज की वैकेंसीज खाली हैं। और टीचर स्टूडेंट रेशो में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, पहले ये 1:24 था, अब टीचर्स स्टूडेंट रेशो 1:20 है। लेकिन इस स्कीम की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि HRD मिनिस्ट्री रूसा स्कीम को किस प्रकार से एडमिनिस्टर करती है, और विभिन्न राज्यों की सरकारें स्टेट हर एजुकेशन काउंसिल को कितनी ऑटोनॉमी देती हैं ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें और हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स ला सकें। तो ये पूरा आर्टिकल था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या फिर हर एजुकेशन के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल रशिया से संबंधित है। टॉपिक है क्या रशिया रोग नेशन बन गया है। आप मुझे एक सिंपल वर्ड का मीनिंग बताइए, कौन से नेशंस रोग नेशन होते हैं। देखो, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है रोग नेशंस की, लेकिन आम तौर पर कह दिया जाता है कि वो नेशंस, वो देश जो इंटरनेशनल रूल्स या फिर इंटरनेशनल सिस्टम को डिसरिस्पेक्ट करते हैं वो देश रोग नेशंस बन जाते हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल आप ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया पर कितने ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। इवन यूनाइटेड नेशंस ने भी सैंक्शंस लगाए नॉर्थ कोरिया पे ताकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम को, इंटरनेशनल रूल्स को दरकिनार कर रहा है। तो नॉर्थ कोरिया को रोग नेशन कहा जाता है। कई बार यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ईरान पर भी सैंक्शंस लगाए जाते हैं, तो ईरान को भी कई बार रोग नेशन कह दिया जाता है। तो क्या उसी प्रकार से रशिया रोग नेशन बन गया है।
रिसेंटली रशिया पर आरोप लगा यूके के एक शहर सैलिसबरी में रशिया के द्वारा रशिया के फॉर्मर स्पाई यानी जासूस की हत्या करवाई गई। तो इन आरोपों का कोई भी जवाब नहीं दिया रशिया ने। उसके बाद यूएसए समेत यूरोपियन यूनियन के कई सारे देशों ने रशियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। तो कोल्ड वार जैसे हालात फिर से पैदा हो रहे हैं। शुरुआत हुई थी यूके से। यूके ने सबसे पहले रशियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया था, उसके बाद यूएसए समेत यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने भी रशियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया। इसके अलावा रशिया पर यह भी आरोप लगते हैं कि 2016 के अंत में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में रशिया ने इंटरफेयर किया ऑनलाइन प्रोपेगेंडा की सहायता से, फेक न्यूज की सहायता से। और यूएसए बार बार रशिया पर यह भी आरोप लगाता है अफगानिस्तान में तालिबान को हथियार मुहैया करवा रहा है रशिया और अफगानिस्तान की सरकार को कमजोर कर रहा है। रशिया पर यह भी आरोप लगता है कि नॉर्थ कोरिया पर यूनाइटेड नेशंस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं उन सैंक्शंस को रशिया सफल नहीं होने देता और नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करता है रशिया। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली उन रिस्ट्रिक्शंस को एक्सटेंड कर दिया जिनके अनुसार यूरोपियन यूनियन के बिजनेसमैन क्रीमिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन फिर से वही है, क्या रशिया रोग नेशन बन गया है या फिर नहीं? राइटर के हिसाब से आंसर यस भी है, नो भी है। वैसे तो देखो, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को बधाई देते हैं, पुतिन को नेक्स्ट टर्म मिली है प्रेसिडेंट के तौर पर। तो ट्रंप ने फोन करके पुतिन को बधाई दी और उस बधाई के दौरान रशिया पर जो आरोप है कि रशिया ने रशिया के फॉर्मर स्पाई की हत्या करवाई यूके में, उन आरोपों के बारे में चर्चा भी नहीं की गई। और दूसरी तरफ ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन को नियुक्त करते हैं। सबको पता है जॉन बोल्टन रशिया के बहुत ज्यादा क्रिटिक हैं। यानी यूएसए अपने आप में ही कंफ्यूज है कि रशिया से किस प्रकार से डील किया जाए। लेकिन कुछ भी हो, रशिया कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने आप को एसर्ट करने का, चाहे वो फॉरेन इलेक्शंस में इंटरफेयर करना हो, कई सारे देश जैसे सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में वेस्टर्न कोलिशंस को कमजोर करना हो। जैसे पहले यूएसए आरोप लगाता है रशिया पे कि वेस्टर्न कोलिशन को कमजोर किया जा रहा है रशिया के द्वारा अफगानिस्तान में। इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं रशिया के द्वारा वो फ्यूचर में आगे भी जारी रहेंगी। इवन नॉर्थ कोरिया और ईरान को आइसोलेट नहीं होने देगा रशिया। इसीलिए आवश्यकता यह है वेस्टर्न कंट्रीज को यह समझना होगा कि पुतिन को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया जाए, यानी बातचीत की जाए पुतिन से और इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से रशिया भी चले, ये इंश्योर किया जाए। तो यह पूरा आर्टिकल था रशिया एज ए रोग नेशन के बारे में। चलते हैं आगे। आगे रोमिला थापर जो कि एक हिस्टोरियन है, इनके साथ इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। इनसे पूछा जाता है कि कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे संविधान के प्रीएम्बल से सेकुलरिज्म जो वर्ड है उसे हटा दिया जाए। रोमिला थापर कहती हैं सेकुलरिज्म एक सोसाइटल कंसेप्ट है, यानी हमारी सोसाइटी इस प्रकार से है कि सभी धर्मों के लोग मिलजुल के आपस में रहते हैं, किसी भी एक धर्म के सिटीजन्स को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस या फिर एक्स्ट्रा राइट्स नहीं है। यानी एटीट्यूड की तरह है सेकुलरिज्म। अगर कोई पर्सन ये मांग करता है किसी एक धर्म के लोगों को ज्यादा राइट्स या फिर ज्यादा प्रिविलेजेस दी जाए, इसका मतलब उस पर्सन के एटीट्यूड में ही कोई खराबी है और हमारी सोसाइटी इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सोसाइटी का कंसेप्ट है सेकुलरिज्म। संविधान में तो बाद में आया है, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो सेकुलरिज्म कंसेप्ट है वो हमेशा का है। हमेशा से हमारी सोसाइटी में सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहे हैं, सभी धर्मों के लोगों को इक्वल राइट्स और इक्वल प्रिविलेजेस मिली हैं। तो सेकुलरिज्म से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो रोमिला थापर ने दिया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले फेडरलिज्म से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया। उसके बाद रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में हमने डिस्कस किया, किस प्रकार से हायर एजुकेशन संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा रहा है हमारे देश में रूसा स्कीम की सहायता से। उसके बाद हमने रशिया से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया, क्या रशिया एक रोग नेशन बन गया है या फिर नहीं। और सबसे लास्ट में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया, रोमिला थापर के साथ आज इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।